हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डार्क चॉकलेट केक प्लस कॉफ़ी गनाश की रेसिपी। आज मेरा बर्थडे है, मैंने ये केक बेक किया है और इसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। चलिए आइए आप देखिए इसे किस तरह से बनाना है। आज के केक के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ड्राई चॉकलेट स्पॉन्ज। चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले एक कटोरी मैदा। ये मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी करीबन एक कटोरी ही पिसी हुई चीनी। इसको मैंने घर पे ही मिक्सी में पीस लिया है, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ ये है 2 टीस्पून कोको पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, साथ में है ये 1 पिंच सॉल्ट का। इन सब ड्राई इंग्रीडियंट्स को मैं मिलाऊँगी मैदा और चीनी पाउडर के अंदर, शुगर पाउडर के अंदर, और अब इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं 1 मिनट तक बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ें आपस में मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ही केक में इक्वल आएगा हमारा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में मैं ऐड कर रही हूँ अप्रॉक्स 1/2 बाउल है ये मेरे पास ऑलिव ऑयल का, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, और साथ में मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ एक अंडा। मुझे एक अंडा जो है वो एनफ लगता है, अगर आप चाहें तो आप अंडे की क्वांटिटी 2 भी कर सकते हैं। बस अब इसको मैं ब्लेंडर में मिक्स करूंगी 2 से 3 मिनट तक। ये जो मिक्सचर था जिसमें मैंने वनीला एसेंस, एग और ऑयल डाला था, इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया। देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं इसे मिक्स करूंगी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। मैं इसे धीरे धीरे पोर करूंगी और साथ साथ में मैं इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। एग का जो मिक्सचर था, एग और ऑयल का, उसे मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। मैंने अप्रॉक्स 1 कप दूध है जिसे मैंने बॉईल करके पहले ही अपने पास रख लिया था। अब मैं धीरे धीरे ये इसके अंदर ऐड करूँगी और इसका एक स्मूथ बैटर बनाऊँगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये बैटर ना तो बहुत थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी, क्योंकि अगर ये रनी हो गया तो भी अच्छे से फूलेगा नहीं। मैंने 3/4 कप बॉयल मिल्क इसके अंदर मिला के इसका एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर बना लिया है। मेरा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये थिक है और ना ही ये बिल्कुल भी रनी है। मैं इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक हाथ से बीट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें हैंड ब्लेंडर चला के इसको और भी ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं और उससे जो आपकी मैनुअल पावर है वो थोड़ी सी बच जाएगी। बट आज मैं कर रही हूँ इसको अपने हैंड से। इसको मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बीट करूँगी और फिर मैं इसे पोर करूँगी अपने केक टिन के अंदर। मैंने केक टिन के अंदर नीचे ऑयल लगा के उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर थोड़ा सा प्लीज़ थिक यूज़ कीजिएगा ताकि वो केक से ईजिली निकल जाए। ये टिन मेरा रेडी हो चुका है। अब इस टिन में मैंने डाल रही हूँ ये मिक्सचर। इस पूरे मिक्सचर को मैं पोर कर दूंगी। बैटर जो है मैंने टिन में पोर कर लिया है। अब बस मैं इसको थोड़ा सा टैप करूंगी। ये टैप इसलिए किया जाता है ताकि इसके बीच में जो भी एयर पॉकेट्स हो वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। ये एक कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने नमक पिचा रखा है। अगर आप मेरी पहले केक की वीडियोस देख चुके हैं तो आप जानते होंगे कि मैं बेकिंग हमेशा गैस स्टोव पे करती हूँ। मैंने कढ़ाई में नमक बिछाया है, नमक की अच्छे से कम 1.5 से 2 इंच की लेयर दी है। आप चाहें तो नमक की जगह इसमें रेत बिछा सकते हैं। नमक बिछा के उसके ऊपर मैंने एक पुराना स्टील का एक लिड था मेरे पास, मैंने उसे उल्टा कर दिया है एज अ स्टैंड, जिससे कि मेरा जो टिन है वो बिल्कुल भी हिले नहीं। और मैंने इस कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था अप्रॉक्स 10 मिनट्स पहले। जैसे हम अवन को प्री हीट करते हैं, इसी तरह से हम इस कढ़ाई को भी प्री हीट के लिए पहले ही रख देते हैं। ये मेरी कढ़ाई जो है अब गर्म हो चुकी है और मेरा ये जो मिक्सचर है ये भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ अपनी कढ़ाई में और अब मैं इसको लिड से ढक के कम से कम बेक करूंगी 25 to 30 मिनट्स तक। ये है लिड। मैंने लिड जो है इस तरह का यूज किया है जो थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ होता है। बस अब मैंने इस लिड को लगा दिया है। गैस को मैं
दो मिनट बाद कर दूंगी सिम पे और फिर मैं इसको चेक करूंगी अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट्स के बाद। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉफ़ी गनाश की रेसिपी कि मैं कॉफ़ी गनाश किस तरह से बनाऊंगी इस केक के लिए। सबसे पहले मैंने एक डबल बॉयलर मेथड के लिए नीचे एक पैन में पानी लिया है। पानी जैसे ही गर्म होने लगा मैंने इसके ऊपर रख दिया है कांच का बाउल और अब इस कांच के बाउल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वाइट चॉकलेट। ये मेरी अप्रॉक्स 70 to 80 ग्राम्स वाइट चॉकलेट है। आप चाहें चॉकलेट थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ये मेरी बड़ी बार थी, मैंने उसमें से इसको अंदाजे से कट कर लिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी यहाँ पर ताकि ये अच्छे से हीट हो और ये मेल्ट होना शुरू कर दे। साथ ही साथ अब हम बना लेंगे कॉफ़ी फ्लेवर। कॉफ़ी फ्लेवर के लिए ये मैंने लिया है पैन में दूध। मैंने लिया है 3 to 4 टेबलस्पून दूध के। दूध जैसे ही ये बॉयल होने लगा अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के कॉफ़ी पाउडर की डाल रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर जो है क्वांटिटी आप अपनी कॉफ़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या अपने फ्लेवर के हिसाब से कि आप कॉफ़ी का फ्लेवर कितना स्ट्रॉन्ग या लाइट पसंद करते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध के अंदर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कटोरी फ्रेश क्रीम की। ये मेरी अमूल क्रीम है, थोड़े से थिक है। आप चाहें तो इसमें घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं बट उसको अच्छे से बीट कर लीजिएगा। बस इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और गरम मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि ये जो क्रीम है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये बस हल्का हल्का बॉयल हो गया, क्रीम हो चुकी है मिक्स। अब मैं ये जो कॉफ़ी का मैंने फ्लेवर रेडी किया है इसको मैं कर रही हूँ गैस को बंद और अब मैं चॉकलेट मेल्ट होने का वेट करूँगी। जैसे ही मेरी चॉकलेट मेल्ट होती है फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये जो हमने कॉफ़ी का गनाश का फ्लेवर बनाया था वो भी रेडी है। अब मैं इसको इसके अंदर सारा डाल दूंगी और डाल के अच्छे से करूंगी इसको एक मिक्स। देखिए कॉफ़ी गनाश बिल्कुल रेडी है। मैंने चॉकलेट और जो अपना कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था वो सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। ये बिल्कुल एक सार हो गया है, इसके फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इस गनाश को रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा सेटल हो जाए और उसके बाद ही हम इसे केक पर पोर करेंगे। अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक केक को बेक करने के बाद मैंने केक को 10 से 15 मिनट ठंडा कर लिया और अब मैं इसको कर रही हूँ डीमोल्ट। देखिए कितना क्लीन मेरा केक बाहर आया है, कितना स्पॉन्जी बना है। अब मैं पहले हटाऊंगी इसका ये बटर पेपर, क्योंकि ये थिक बटर पेपर था, बहुत ही इजीली ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन नाइफ हमारा बाहर आया है, जिससे पता चलता है कि केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो मैंने आपको गनाश का प्रोसेस दिखाया है अब मैं ये गनाश धीरे धीरे इसके ऊपर पोर करूँगी। गनाश आप अपने हिसाब से थिक या थिन रख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बस इसको धीरे धीरे हम लोग ऐसे फैला लेंगे। इसके ऊपर मैंने पूरी कॉफ़ी गनाश को अच्छे से अपनी स्प्रेड कर दिया। ऊपर से मैंने लगाए हैं कुछ डार्क चॉकलेट के शेविंग्स और कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स, उसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए। आप चाहें आप डेकोरेशन अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं और मेरा केक हो गया है बिल्कुल रेडी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।